जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इस दुनिया में असंभव ऐसा कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है, और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को नहीं स्वीकार करते तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियाँ हमारा भाग्य लिख देंगी। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल व्यक्तियों को मिलता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। समस्या कॉमन है, लेकिन आपका नज़रिया, आपका एटीट्यूड इनमें बहुत डिफरेंस पैदा करता है।